मैंने ना वीडियो शुरू करने के लिए बढ़िया सा इंट्रो तैयार किया था, लेकिन पत्रकारिता का वो वाला सिद्धांत कि सबसे पहले नई और रेलेवेंट बात बतानी चाहिए, इसने मेरे इंट्रो को पीछे धकेल दिया। तो जल्दी से ताजा खबर ले लो। खबर ये है कि BHU ने UG कोर्सेज के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड कर दी है। अब CUET UG में पास हुए स्टूडेंट्स 8 अक्टूबर तक BHU में कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपने मिस कर दिया है तो अभी के अभी रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 मिनट रुक जाओ, वीडियो पूरी देख लो और उसके बाद रजिस्टर कर देना। लेटेस्ट न्यूज खत्म हुई, अब बकैती करेंगे, पर काम की बकैती करेंगे। हमने जो इंट्रो लिखा था उस पर आते हैं। तो लंकेटिंग करने चले भाई, BT पे कोल्ड कॉफी पीने चलेगा क्या? अब ये पिया मिलन चौराहा कहाँ है? आप सोच रहे होंगे कि मैंने एकदम से ये क्या बिना सिर पैर की बातें शुरू कर दी, पर समझने वाले समझ गए होंगे कि ये सारे तमगे कहाँ चलते हैं। ये बातें होती हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जहाँ लंका पर चाय पीने जाना जाने कब कौन से बैच के बाद लंकेटिंग हो गया। कब MMB चौराहे को यूनिवर्सिटी के छात्र पिया मिलन चौराहा कहने लगे, और जाने कब धीरे धीरे कैंपस वाले विश्वनाथ टेम्पल यानी कि VT की कोल्ड कॉफी इतनी फेमस हो गई कि छात्र तो छात्र अब इसे पीने, टूरिस्ट भी BHU पहुंच जाते हैं। CUET के बाद से BHU में एडमिशन को लेकर इतने सवाल आए कि पूछिए मत। आपके आदेश अनुसार एडमिशन वाली सारी जानकारी पर शो हमने किया था। आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दी है, देख लीजिएगा। तो मित्रों, नए नए बच्चों में BHU को लेकर क्रेज देखा तो हमको लगा कि एक शो इस पर भी करना चाहिए और बात BHU की करनी चाहिए। तो चलिए आज यही करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। भारत सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसियों का भी देश है, और ये देश तभी मजबूत होगा जब सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। ये बात कही थी भारत रत्न से सम्मानित पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, वही जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी। पंडित मदन मोहन मालवीय BHU के बारे में कहते थे कि मेरी दिल से प्रार्थना और उम्मीद है कि ये जो जीवन और प्रकाश का केंद्र अस्तित्व में आ रहा है, यहाँ से ऐसे छात्र पढ़कर निकले जो ना केवल बौद्धिक रूप से दुनिया में सबसे आगे की कतार में खड़े हों, बल्कि एक महान जीवन भी जिएं, जो अपने देश से प्यार करें और इसके प्रति वफादार रहें। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने साल 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की शुरुआत की। देश के सबसे पुराने शहर बनारस में बनी ये यूनिवर्सिटी देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। साथ ही ये एशिया की सबसे बड़ी आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी है। BHU को यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा भी प्राप्त है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को गढ़ने में पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर एनी बेसेंट और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोगों की समझ और विजन है। ये शायद दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके कैंपस में नर्सरी और प्राथमिक स्कूल से लेकर बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री तक के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। BHU का कैंपस लगभग 1360 एकड़ में फैला हुआ है। कैंपस में साइंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, विजुअल आर्ट, सोशियोलॉजी, संस्कृत, विद्या, धर्म विज्ञान, एग्रीकल्चर, पत्रकारिता सहित कई भारतीय और विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए भी कोर्सेज कराए जाते हैं। यहां लगभग हर वो पढ़ाई होती है जो आप सोच सकते हैं। BHU के करीब 132 PG और 32 UG कोर्सेज चलते हैं, और इसके अलावा लगभग 70 स्पेशल कोर्सेज भी हैं जिसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज शामिल हैं। इन तमाम कोर्सेज में हर साल लगभग 30,000 छात्र एडमिशन लेते हैं और यहीं कैंपस में रहकर पढ़ाई करते हैं। BHU के हर कोर्स की फीस भी काफ़ी कम है, यही वजह है कि हर तबके का छात्र यहाँ पढ़ने में सक्षम है। अब ये तो हुई थ्योरी वाली बात, चलिए BHU में पढ़ाई के बारे में वहाँ पढ़े स्टूडेंट से ही सुन लेते हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एंटर करेंगे जो सिंह द्वार है हमारा, अगर किसी रिक्शा में आप बैठते हैं, किसी बैटरी रिक्शा में, ऑटो में बैठते हैं, तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि हमारे जस्ट बगल में कौन बैठ रहा है। शायद भूगोलवेत्ता हो, इतिहासकार हो, संगीत का विशेषज्ञ हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साथ में आपके कृषि विज्ञानी हो, वो भी बैठ सकता है। इस 1360 एकड़ कैंपस में आपको इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल से लेकर वकालत की पढ़ाई, संगीतज्ञ की पढ़ाई, फाइन आर्ट्स के विशेषज्ञ, म्यूजियम के क्यूरेटर, सभी चीज़ों के विशेषज्ञ इस विश्वविद्यालय में मिलेंगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थियों के लिए फीस भी वाजिब है यहाँ की। साथ ही साथ कैंपस में आपको हॉस्टल की सुविधा मिलती है, और हॉस्टल के साथ साथ खेल के मैदान हैं, जिम हैं।
नेचर ने मेरे अंदर काफी पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं. मेरी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई है. स्कूल टाइम में जो मैं थी, जो मेरा नजरिया था, और 3 साल पढ़ाई करने के बाद जो मेरा नजरिया था, उसमें मैसिव चेंज था और पॉजिटिव चेंज था. बीचू में करिकुलर और को करिकुलर जो एक्टिविटी कराई जाती है, वो आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें इनकल्केट करती हैं. पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें अपने आप आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा. अद्भुत विश्वविद्यालय है. ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये सर्व विद्या की राजधानी तो है ही. यहाँ आपको ज्ञान के जो सभी धाराएँ हैं वो एक जगह उसका संगम यहाँ मिलेगा. प्रतीचि और प्राची का जो मेल है, चाहे वो भारत का जो की जो प्राचीन ज्ञान परंपरा रही हो, ज्योतिष हो, आयुर्वेद हो, और या तो फिर वो आईआईटी बीएचयू के रूप में जो है आधुनिक शिक्षा की जो सर्वोत्तम जो संस्थान है वो हो, तो आपको एक साथ मिलेंगे. बीएचयू का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों के गरीब से गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है. मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट यानी कि IMS बीएचयू भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 6 संस्थानों में से एक है. इसे 1920 में शुरू किया गया था. ये एक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर भी है. यहाँ आज 10 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स काम करते हैं. डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर द्वारा लिखे गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुल गीत की ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है. बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी, मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी. गंगा तट पर बसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 100 साल से भी ज्यादा समय से दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा कर रही है. यहाँ पढ़ना छात्रों के लिए गौरव की बात मानी जाती है और मौका अभी हाथ से निकला नहीं है. आज का रंग रोड शो यहीं समाप्त होता है. वीडियो खत्म, रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दीजिए. रजिस्ट्रेशन पोर्टल बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुला हुआ है. रंग रोड से जुड़े रहिए ताकि हमारी और आपकी बकैती चलती रहे और हम एक दूसरे को काम की बात बताते पूछते रहें. शुक्रिया, देखते रहिए रंग रोड.